दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द बेस्ट वन हॉरर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ तीन बेहद ही दिलचस्प हॉरर कहानियां। ये तीनों कहानियां आपको जरूर पसंद आएंगी, इसलिए तीनों कहानियों को आखिर तक जरूर सुनिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे बड़े भाई भास्कर दा के साथ घटी एक भयानक घटना के बारे में है। भास्कर दा मेरे ताऊजी के सबसे बड़े बेटे थे। जिस वक्त की ये भयानक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस वक्त भास्कर दा 16-17 साल के थे। भास्कर दा उस वक्त गांव में ही रहते थे। उनका गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पहाड़ों के बीच घाटी में उनका छोटा सा गांव था। भास्कर दा पढ़ने में अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्कूल जाना छोड़कर छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। जैसे वो जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बेचते थे और गांव वालों के गाय बैल बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करते थे। उसके बदले गांव वाले उन्हें कुछ पैसे दे देते थे। बस यही छोटी मोटी मजदूरी करके भास्कर दा थोड़े पैसे कमा लेते थे। ऐसे ही एक दिन भास्कर दा अपने गांव के पीछे के जंगल में गाय और बकरियां लेकर गए थे। गर्मियों के दिन थे, दिन लंबे हुआ करते थे। भास्कर दा अपने साथ दिन के खाने के लिए रोटी सब्जी और पानी लेकर जाते थे और फिर शाम को ही घर वापस लौटते थे। उस दिन भी जब भास्कर दा जंगल के बीच एक बड़े से चपटे पत्थर के ऊपर बैठकर रोटी खा रहे थे, तभी उनकी बकरियों में से एक बकरी जोर जोर से मिमियाने लगी। भास्कर दा ने उस तरफ देखा, वो बकरी पहाड़ी से नीचे की तरफ देखकर जोर जोर से मिमिया रही थी। भास्कर दा समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपना खाना छोड़ा और दौड़कर उस बकरी के पास गए। वो बकरी नीचे ढलान की तरफ झांक रही थी। भास्कर दा ने भी उस ढलान की तरफ देखा। वो ढलान काफी गहरी थी, लगभग वो एक खाई थी, और वहां से नीचे एक बकरी का बच्चा फिसलकर बहुत नीचे पहुंचकर एक घनी झाड़ी में फंसा हुआ रो रहा था। अब भास्कर दा के लिए उस बकरी के बच्चे को वहां से निकाल कर लाना एक महायुद्ध के बराबर था, क्योंकि वो एक गहरी खाई थी और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर उस बकरी के बच्चे की मां मिमिया रही थी और नीचे खाई से बकरी के बच्चे की रोने की आवाजें भी सुनाई पड़ रही थी। भास्कर दा को जानवरों से खासा गहरा प्रेम था। उस रोते बिलखते बकरी के बच्चे को वहां उस खाई में वो छोड़ नहीं सकते थे और उनके पास उस खाई तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उस खाई से ही नीचे उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कमर कसी और संभल संभल कर खाई से नीचे उतरने लगे। अभी वो थोड़ा ही नीचे पहुंचे थे कि एक पत्थर जिसे भास्कर दा ने पकड़ा हुआ था वो उखड़ गया और भास्कर दा लुढ़कते फिसलते नीचे गहरी खाई में जा पहुंचे। वही उन्हीं झाड़ियों में जहां से उस बकरी के बच्चे की रोने की आवाजें आ रही थी। फिलहाल अब वो आवाज बंद हो चुकी थी। भास्कर दा के घुटने और कोहनियां छिल गई थी, मगर कोई गहरी चोट नहीं लगी थी। हां, उनके कपड़े जरूर फट गए थे। भास्कर दा ने पहले खुद को संभाला, उसके बाद उन्होंने उस बकरी के बच्चे को ढूंढा, मगर वहां आसपास कोई बकरी का बच्चा नहीं था। अजीब बात थी, अभी कुछ देर पहले यहीं से उस बकरी के बच्चे की मिमियाने की आवाजें आ रही थी। भास्कर दा उस गड्ढे से बाहर निकले। आसपास घनी झाड़ियां थी। वो उन झाड़ियों के बीच से निकलते हुए वहां से एक छोटी सी संकरी सी नदी के पास पहुंचे। नदी सूखी हुई थी, उसमें एक कतरा भी पानी नहीं था। असल में वो बरसाती नाला था, सिर्फ बरसातों में ही उसमें पहाड़ियों से बहकर पानी आता था। फिलहाल भास्कर दा उस सूखे नाले के सहारे ऊपर की ओर चढ़ने लगे, क्योंकि ऊपर उनकी गाय बैल बकरियां थी जिन्हें उन्हें घर वापस लेकर जाना था। अभी भास्कर दा को चढ़ते हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी भास्कर दा की नजर किसी चीज पर पड़ी, जिसे अचानक से देखकर वो एक पल के लिए डर से गए। वहां कुछ दूरी पर कुछ पत्थरों के बीच एक औरत की सड़ी गली लाश थी, जिसमें से बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। मगर भास्कर दा समझ गए थे कि ये उन्हीं के गांव की एक औरत है
क्योंकि कुछ हफ्तों पहले गांव की एक औरत गांव से गायब हो गई थी। वो जिसकी पत्नी थी उसका कहना था कि उस औरत का दूसरे गांव के एक टेलर के साथ चक्कर था और वो उसी के साथ भागी है। मगर उस औरत की लाश का यहां पहाड़ी से नीचे इस नदी में सड़ी गली हालत में पड़ा होना इस तरफ इशारा कर रहा था कि उसकी हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है, जो कि अपने आप में हत्या ही है। भास्करदा किसी तरह वहां से बाहर निकलकर वापस जंगल में अपने गाय बैल बकरियों के पास गए और उन्हें वहां से सीधा गांव वापस लेकर गए। मगर वो बकरी का बच्चा कहीं नहीं मिला जो खाई से नीचे गिरा था। शायद कोई जानवर उसे उठाकर ले गया होगा। गांव पहुंचकर भास्करदा सीधे गांव के एक आदमी के घर पहुंचे जिसका नाम किशन था। किशन से मिलकर उन्होंने उसकी पत्नी के बारे में पूछा। पहले तो किशन हिचकिचाया, फिर बोला कि उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। मगर भास्कर दा ने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके सबको बताया कि किशन की औरत किसी के साथ भागी नहीं है, बल्कि मर चुकी है। वहां जंगल में पहाड़ी के नीचे खाई में सूखी नदी में उसकी सड़ी गली लाश पड़ी हुई है। अगर किशन झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि इसी ने ही उसे मारकर वहां फेंका है। किशन ने गुस्से से भास्कर दा को घूरा और फिर बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या भास्कर, या जंगल से चरस फूंक कर आया है? भास्कर दा बोले, मेरा दिमाग तो ठिकाने पर है किशन, पर तूने अपनी बीवी को जहां पर ठिकाने लगाया है, पुलिस वहां से उसकी लाश को बरामद कर लेगी। शाम तक पुलिस को खबर कर दी गई। अगले दिन पुलिस किशन के घर पर थी। गांव के सभी लोग भी वहां जमा थे। भास्कर दा ने पुलिस को सारी जानकारी दी। जब पुलिस ने किशन से सवाल किया तो किशन ने पुलिस को सिर्फ एक ही बात कही, थोड़ी देर रुक जाइए साहब, आप सबको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर पुलिस और गांव वाले इंतजार करने लगे। बस फिर कुछ ही देर के इंतजार के बाद वहां एक औरत आकर खड़ी हो गई। भास्कर दा ने और गांव के सभी लोगों ने उस औरत को देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबके सामने किशन की बीवी खड़ी थी जिसकी लाश भास्कर दा ने पहाड़ी से नीचे खाई में सूखी नदी के पत्थरों के बीच फंसी हुई देखी थी। अब गांव के सभी लोगों की सवालिया नजरें भास्कर दा के ऊपर ही थी। पुलिस ने भास्कर दा से कहा, क्यों भास्कर, तू तो कह रहा था कि यह मर चुकी है, तो ये कौन है? भास्कर दा बोले, साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने इसी की लाश देखी थी, सड़ी गली हालत में थी मगर चेहरा एकदम यही था। किशन की बीवी बोली, साहब आप किस गंजेड़ी की बात पर यकीन कर रहे हैं, ये तो भांग के नशे में कुछ भी बकता है, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, मैं जा रही हूं, और वापस दोबारा मुझे इन पचड़ों में मत डालिएगा। इतना कह के किशन की औरत जहां से आई थी वहां वापस चली गई। भास्कर दा पुलिस से बोले, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चलकर देख लीजिए, वहां जंगल में उस सूखी नदी में अभी भी उसकी लाश पड़ी होगी। पुलिस ने भास्कर दा से कड़े स्वर में कहा, देख भास्कर, तेरी बकवास पर यकीन करके हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब दोबारा तूने ऐसी वैसी कोई अफवाह फैलाई तो तेरे ऊपर मुकदमा करके अंदर करवा दूंगा, चल अब भाग यहां से। इतना कह के पुलिस भी वहां से चली गई। अब भास्कर दा का ये सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर जिसकी लाश उन्होंने वहां उस जंगल में देखी थी वो किसकी थी। उन्हें उस लाश का चेहरा अच्छे से याद था, वो चेहरा एकदम किशन की बीवी से मिलता जुलता था। अगले दिन तड़के ही भास्कर दा उस जंगल के लिए अकेले ही निकल गए। वो जैसे तैसे पहाड़ उतरकर उस सूखी नदी तक पहुंचे और ठीक उसी जगह में गए जहां पिछली बार उन्होंने वो सड़ी गली लाश देखी थी, मगर इस बार वो लाश वहां नहीं थी। उन्होंने अच्छे से आसपास देखा मगर वो लाश कहीं नहीं थी। अजीब बात थी क्योंकि वो एकदम सही जगह में थे, उन्हीं पत्थरों के पास जहां वो लाश पड़ी हुई थी, मगर इस बार वहां उस लाश का नामो निशान नहीं था और ऐसे भी कोई चिन्ह नहीं थे जिसे देखकर लगे कि वहां परसों तक कोई लाश पड़ी हो। कोई जानवर उस लाश को खींचकर कहीं और ले गया होता
तो उस जगह में कम से कम लाश के कुछ अंश तो रह गए होते, कोई दाग धब्बा या गंध तो होती, मगर वहां कुछ नहीं था। तभी भास्कर दा के पीछे से बकरी के बच्चे की मिमियाने की आवाज आई। भास्कर दा ने तुरंत पलट कर पीछे देखा और जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी आंखें डर के मारे फटती चली गई, क्योंकि उनसे बस थोड़ा ही दूर उस सूखी नदी में वही लाश सीधी खड़ी थी। उस सड़ी गली लाश को सीधी खड़ी देखकर भास्कर दा के डर के मारे रोंगटे खड़े होने लगे। वो लाश एकदम सीधी खड़ी भास्कर दा को ही घूर रही थी। उसकी खोपड़ी एक तरफ को झुकी हुई थी, मानो जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हो। उस लाश की एक आंख गायब थी और एक आंख बाहर को निकली हुई भास्कर दा को ही घूर रही थी। उस लाश के सड़े गले होंठों पर एक मुस्कान थी। उसके शरीर में लिपटी हुई साड़ी फटी हुई थी, जिसमें से उसका सड़ा गला बदन दिखाई दे रहा था। भास्कर दा को लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। उन्होंने खुद के गालों पर चांटे मारना शुरू कर दिया, इस उम्मीद से कि उनका सपना टूटेगा, मगर वो सपना नहीं था। हालांकि जो उनके साथ उस वक्त घट रहा था वो सब हकीकत में हो सकता है, ये यकीन कर पाना भी मुश्किल था। अब वो लाश लड़खड़ाते हुए भास्कर दा की तरफ बढ़ने लगी। भास्कर दा डर कर उस सूखी नदी के पत्थरों के बीच गिरते पड़ते ऊपर की तरफ भागने लगे। बीच बीच में वो पलट कर अपने पीछे भी देखते थे और जब भी वो पीछे देखते वो लाश उनको अपने पीछे ही नजर आती। जैसे तैसे भास्कर दा उस सूखी नदी से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचे। वो जंगल भास्कर दा के लिए नया था, मतलब भास्कर दा इतने सालों से उस गांव में रह रहे थे, मगर वो कभी जंगल के उस इलाके में नहीं आए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उस जंगल में कोई आता जाता भी नहीं होगा, क्योंकि वहां काफी बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी, पेड़ों से टूटकर गिरी हुई सूखी लकड़ियां बिखरी हुई थी। इसी से पता चल रहा था कि वहां ना कोई जानवर घास चरने आता होगा, ना ही कोई इंसान लकड़ियां लेने। भास्कर दा उसी जंगल में भागते हुए इधर उधर भटक रहे थे और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पलटकर पीछे देखने पर उन्हें वो लाश हर बार अपने पीछे ही दिखाई देती। भास्कर दा बेतहाशा उस जंगल में भाग रहे थे, तभी उन्हें दूर एक पुराना सा पत्थरों का बना हुआ मंदिर दिखा। भास्कर दा दौड़कर उस मंदिर के पास पहुंचे। उस मंदिर के चारों तरफ घास फूस लकड़ियां सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। मंदिर के द्वार में एक गेट लगा हुआ था और उसमें एक बड़ा सा लोहे का जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था। भास्कर दा ने उस मंदिर के अंदर झांका, तब उन्हें पता चला कि वो मशान देवता का मंदिर था। पहाड़ों के गांवों में मशान देवता को बहुत माना जाता है, मगर उस मंदिर को देखकर लग रहा था कि काफी अरसे से वहां किसी ने कदम नहीं रखा। भास्कर दा ने पलटकर उस चलती फिरती लाश की तरफ देखा, मगर वो लाश अब वहां पर नहीं थी। तब भास्कर दा ने मशान देवता के मंदिर के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और फिर उस जंगल से बाहर की तरफ भागे। काफी देर तक उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। फिर उन्हें एक बकरी के बच्चे की रोने की आवाज आई। भास्कर दा जानते थे कि ये बकरी का बच्चा सिर्फ एक छलावा है, अगर वो उस आवाज के पीछे गए तो पक्का मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी भास्कर दा को कुछ दूर कुछ गाय बैल घास चरते नजर आए। भास्कर दा उनकी तरफ दौड़े, क्योंकि वहां से गांव तक जाने का रास्ता उन्हें जरूर मिलेगा। और हां, उन गाय बैल बकरियों के पास पहुंचकर भास्कर दा को वो जंगल जाना पहचाना सा लगा, मगर जब उन्होंने पलटकर उस तरफ देखा जिस तरफ से वो अभी भागते हुए आए थे, वहां सब कुछ बदल चुका था। वहां ना कोई पहाड़ था, ना ही जंगल और ना ही कोई मंदिर, वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी। अजीब बात थी, भास्कर दा अभी वहीं से तो भागते हुए आए थे, अब वहां पर खाई कहां से आ गई? भास्कर दा को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी दूसरे डायमेंशन से आए हो। ये बात ना वो किसी को समझा सकते थे और ना ही खुद उनके पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन था।
भास्करदा उस सूखी नदी का रास्ता तो अब जान चुके थे, मगर उनकी हिम्मत नहीं थी अब दोबारा उस नदी में जाने की, क्योंकि वो दोबारा उस चलती फिरती लाश का सामना नहीं कर सकते थे। वो उस जंगल से सीधा घर वापस आए। उन्होंने अपने पापा से उस जंगल के मंदिर के बारे में पूछा तो उनके पापा ने बताया कि पहले वहां उस जंगल में एक ऊंचा पहाड़ था, उसमें एक मंदिर हुआ करता था, मगर एक रात वो पहाड़ भरभरा कर ढह गया, मंदिर भी उसी पहाड़ के साथ ढह गया। भास्करदा ने अपने पापा को सारी बात बताई कि उन्होंने वहां उस जंगल में उस मंदिर को देखा और एक औरत की चलती फिरती लाश को भी। तब भास्करदा के पिताजी ने बताया कि वो पहाड़ को गिरे हुए 70-80 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, अगर उसने वो पहाड़ वो मंदिर या कोई चलती फिरती लाश देखी तो वो सिर्फ एक सपना ही हो सकता है, हकीकत नहीं। वैसे ही भास्करदा पहले भी गांव के एक आदमी किशन की बीवी की लाश उस जंगल में पड़ी होने की बात कहकर सबको बेवकूफ बना चुके थे। वो कैसे अपने पिता को यकीन दिला पाते कि जो उन्होंने जंगल में देखा वो सच में उनके साथ घटा था। आखिर में ना उनके पास इस बात का कोई जवाब था, ना ही किसी और के पास, कि वो जंगल वो मंदिर और वो चलती फिरती लाश के पीछे की कहानी क्या है। भास्करदा को बस एक ही बात समझ आई थी कि यकीनन वो किसी और डायमेंशन में से होकर आ चुके हैं। लेकिन इस कहानी की सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि इस घटना के कुछ समय बाद भास्करदा न जाने कहां गायब हो गए। एक दिन वो घर से गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना ही पुलिस उन्हें फिर कभी ढूंढ पाई। मेरा दिल कहता है कि भास्करदा शायद सच्चाई जानने के लिए एक बार फिर उस सूखी नदी के रास्ते उस डायमेंशन में गए, मगर वो इस बार वहां से बाहर नहीं निकल पाए। क्या पता वो कभी वहां से बाहर निकल आए, कौन जाने। ये अगली कहानी बहुत पुरानी है मगर बेहद दिलचस्प, इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। 15 साल की उम्र में गीता शादी करके अपने ससुराल गई। जब से गीता ने ससुराल में कदम रखा तभी से उसकी सास ने उसकी नाक में दम करके रखा हुआ था। उसकी सास दिन रात उसको ताने मारा करती थी, शाम सवेरे बस कोसती ही रहती थी। गीता का पति भी अपनी माँ के सामने चुप ही रहता था, वो कभी सास और बहू के बीच में कुछ भी नहीं बोलता था। गीता रोज रोज के इन झगड़ों से तंग आ चुकी थी। तब एक दिन गीता ने यह फैसला किया कि वो अपने ससुराल से चुपचाप भागकर अपने मैके चली जाएगी। गर्मियों के दिन थे और दिन में खाना खाकर घर के सभी लोग सो जाते थे, और यही मौका था जब गीता ने फैसला किया कि वो वहां से भाग जाएगी। दिन का खाना खाने के बाद गीता ने बर्तन धोए और फिर वहीं आंगन में चटाई बिछाकर सोने का नाटक करने लगी, ये सोचकर कि जब सब लोग सो जाएंगे तब वो वहां से भाग जाएगी और जंगल वाले रास्ते से भागकर शाम तक अपने मैके पहुंच जाएगी। अगर वो रोड से गई तो कोई ना कोई उसे देख लेगा, तो जंगल वाले रास्ते से भागना ही उसको सही लगा। दिन का खाना खाने के बाद घर के सभी लोग सो चुके थे और यही सही मौका था। मौका पाते ही गीता तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई और उसने जंगल में प्रवेश किया और फिर पैदल पैदल जंगल के बीच बने पैदल रास्ते से वो अपने मैके की तरफ जाने लगी। वो जंगल घना था, एकदम सुनसान था, बस चारों तरफ झिंगरों की किरकिर गूंज रही थी। तभी अचानक आसमान में घने काले बादल छाने लगे, मानो जैसे बारिश होने वाली हो। उस घने जंगल में घुसकर अब गीता को डर लगने लगा था। उसने वापस जाने का मन बनाया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक वो जंगल के बहुत अंदर घुस चुकी थी। उस पूरे जंगल में कोई नहीं था। गीता ने सोचा, अब इतनी दूर आ गई हूं तो सीधे मैके ही जाती हूं। वापस ससुराल जाने पर उसे फिर से अपनी सास के ताने सुनने पड़ते, इसलिए वो घबरा कर इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगी। वो जंगल में इधर उधर नजर दौड़ा रही थी कि शायद जंगल में लकड़ी बीनते कोई दिख जाए तो उसका हौसला थोड़ा बढ़ जाए
और उस सुनसान अकेले जंगल में उसका डर थोड़ा कम हो जाए। तभी थोड़ी दूरी पर से गीता को कुछ आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा हो। तभी उसने सामने रास्ते में देखा, रास्ते के किनारे एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। वो कुल्हाड़ी से कुछ काट रहा था। उस आदमी को देखकर गीता को थोड़ी सी राहत मिली कि उसके अलावा भी उस घने जंगल में कोई और है। उसका हौसला थोड़ा सा बढ़ा, उसका डर कम हुआ। गीता उसी रास्ते में आगे बढ़ रही थी जिसके किनारे वो आदमी खड़ा था। गीता चलते चलते उस आदमी के करीब पहुंची। उस आदमी के करीब पहुंचकर गीता ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। गीता ने देखा वो आदमी कुछ और नहीं काट रहा था, बल्कि वो अपना खुद का पैर काट रहा था। गीता के देखते ही देखते उस आदमी ने अपने पैर पर एक आखिरी वार किया और कुल्हाड़ी के उस आखिरी वार से उसका पैर कट के अलग हो गया। वो दृश्य देखकर गीता बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उस आदमी ने एक भावहीन चेहरे से गीता की तरफ देखा। उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, न दर्द, न पैर खोने का दुख, न ही आंसू का एक कतरा। उस आदमी ने गीता की तरफ देखकर एक बार फिर से कुल्हाड़ी उठाई। गीता को लगा कि वो उस कुल्हाड़ी से अगला वार उसी के ऊपर करने वाला है, मगर उस आदमी ने उस कुल्हाड़ी का अगला वार वहीं पास ही जमीन पर गिरे एक सांप के सिर पर किया और एक ही वार में उस सांप का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। वो सांप छटपटाने लगा। उस आदमी ने अपना कटा हुआ पैर उठाया और अपनी कुल्हाड़ी को सहारा बनाते हुए वो लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। वो आदमी उसी तरफ जा रहा था जिधर से गीता आई थी। ये सारे भयानक दृश्य देखकर गीता को अब उस जंगल में घुसने का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि उसी रास्ते में वो आदमी गया था जिसने अभी अभी अपना पैर काटा था। गीता उस आदमी के पीछे जाकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो वापस उस रास्ते में अपने मैके की ओर बढ़ने लगी। गीता की आंखों में घूम घूम कर वही कटा हुआ पैर दिखाई देता और गीता डर से सिहर जाती। उसी रास्ते में थोड़ा आगे बढ़कर गीता ने देखा, कुछ दूरी पर एक नदी बह रही थी और उसके किनारे एक चिता जल रही थी। उस चिता को देखकर लग रहा था जैसे वो अभी अभी जलाई गई हो, मगर उस चिता के आसपास कोई भी नहीं था। गीता एक तो पहले से ही डरी हुई थी और फिर यूं घने जंगल के बीच एक चिता को जलते देखना और ज्यादा डरा देने वाला दृश्य था। गीता वहां से भागने लगी। वो भागते भागते थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा पास ही नदी किनारे एक और चिता जल रही थी और उस चिता के आसपास भी कोई नहीं था। गीता बिना समय गवाए वहां से तेजी से भागने लगी। भागते भागते उसे फिर से एक और जलती हुई चिता दिखाई दी, मगर इस बार उस चिता के पास कोई था। गेरवे रंग का चोगा पहने हुए एक बाबा था जिसके दोनों पैर नहीं थे। वो उस जलती चिता के चारों तरफ अपने हाथों के सहारे चल रहा था, मानो जैसे वो उस चिता में कुछ ढूंढ रहा हो। गीता एक पेड़ के आड़ में खड़ी होकर उसे देखने लगी कि आखिर वो कर क्या रहा है। तभी उस बिना पैर वाले बाबा ने एक बड़ा सा चिमटा उठाया और उस बड़े चिमटे को चिता में घुसेड़ दिया और उसमें कुछ टटोलने लगा। और थोड़ी देर उस चिता को टटोलने के बाद उसने उस बड़े चिमटे से उस चिता से कुछ निकाला। गीता ने गौर से देखा तो वो एक मांस का बड़ा सा जला हुआ टुकड़ा था। उस बाबा ने उस चिता में जलती हुई लाश का एक मांस का टुकड़ा बाहर निकालकर उसे खाने लगा। अब ये भयानक दृश्य देखकर गीता और ज्यादा डर गई। अब वो वहां से और आगे की तरफ भागी। वो अभी भागते हुए थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि उसे उसी रास्ते में चलते हुए तीन लोग दिखाई दिए। तीनों उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ गीता को जाना था। उन तीनों लोगों को देखकर गीता की सांस में सांस आई। गीता दौड़कर उन तीनों के पीछे गई और उनके पीछे पीछे चलने लगी। रह रहकर गीता को वो सारे भयानक दृश्य याद आ रहे थे जो उसने अभी अभी देखे थे।
वो आदमी जिसने अपना पैर अपने ही हाथों से काट लिया और अपना कटा हुआ पैर हाथ में उठाकर लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। फिर वो जलती हुई चिताएं और वो बाबा जो चिता में से जलते हुए मुर्दे खा रहा था। मगर गीता का डर अब इन तीन लोगों को देखकर कम हो चुका था। गीता चुपचाप उन तीनों लोगों के पीछे पीछे चल रही थी। तभी गीता ने गौर किया कि वो तीन लोग जो उसके आगे आगे चल रहे हैं उनके शरीर से राख झड़ रही है। गीता को कुछ समझ नहीं आया। जैसे जैसे वो तीनों जन अपने कदम बढ़ा रहे थे उनके शरीर से राख और कोयले के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। गीता ने अपने कदम धीमे किए और चुपचाप एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और छुप के उन तीनों को देखने लगी। वो तीनों चुपचाप बिना एक दूजे से बात किए अपने पीछे राख गिराते हुए अपने रास्ते जा रहे थे। वो पैदल रास्ता एक संकरी नदी के बीच में से होकर दूसरी तरफ निकलता था। गीता ने देखा वो तीनों लोग नदी को पार करने के लिए जैसे ही नदी में उतरे नदी के पानी में पैर रखते ही वो तीनों किसी राख के ढेर के समान पानी में घुल गए। अब ये दृश्य देखकर गीता की सांसें रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बस तभी गीता के कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया और एक आवाज आई, गीता, ओ गीता, चल उठ, देख तेरा भाई आया है तेरे मायके से। गीता चौंक कर उठी तो उसे समझ आया कि वो सिर्फ एक सपना था। दिन में जब वो आंगन में चटाई बिछाकर सोने का नाटक कर रही थी बस तभी उसकी आंख लग गई थी। ये अगली कहानी आपको थोड़ा सा इमोशनल कर सकती है। दरअसल हमारे गांव में बहुत साल पहले हमारा एक पालतू कुत्ता हुआ करता था जिसका नाम कालू था। वो कुत्ता पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध था। सभी लोग उसे पसंद करते थे। वैसे वो था तो हमारा मगर वो कभी किसी के घर पे तो कभी किसी के घर पे जाके खा लेता और वहीं सो जाता। गांव वाले भी उसे रोटी दे दिया करते थे और कभी रात हो जाती तो अपने घर के अंदर ही दरवाजे के पास उसके लिए एक बोरा बिछा देते और वो वहीं सो जाता। हम भी जानते थे कि वो कुत्ता घर नहीं आया है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर पे खा पी के मस्त सोया होगा। कालू की सबसे खास आदत ये थी कि गांव के बच्चे जो स्कूल जाते थे उन्हें वो स्कूल तक छोड़ने जाता और जब छुट्टी का वक्त हो जाता तो वो स्कूल के बाहर बच्चों का इंतजार करता था। और कालू की एक और खास बात थी, अगर गांव में किसी की मौत हो जाती तो वो कुत्ता अर्थी के साथ शमशान घाट तक जाता और चिता के जलने तक वहीं घाट में बैठा रहता। फिर वापस आने से पहले बाकी लोगों की तरह नदी में नहाता और फिर गांव वालों के साथ ही वापस गांव आ जाता। और फिर अगले एक दिन तक वो खाना नहीं खाता था, चाहे उसे कुछ भी दे दो, मांस, मछली, अंडा, वो कुछ नहीं खाता। गांव में और भी कुत्ते थे मगर कालू सबसे अलग था। मगर एक बार की बात है, एक रात कालू गांव के एक घर के बाहर बैठा जोर जोर से रोने लगा। वो कभी जोर जोर से भौंकता, कभी रोने लगता। घर के अंदर सो रहा परिवार परेशान हो गया और उसने कालू को डराने के लिए घर के अंदर से एक ईंट का अद्धा फेंक के मारा। वो ईंट सीधे कालू के सिर में जा लगी। कालू के सिर में गहरी चोट लग गई। वो बस एक बार की करके रोया, उसके बाद उसकी आवाज नहीं आई। घर के अंदर सो रहे परिवार को लगा कि कालू वहां से चला गया है। मगर जिस आदमी ने बाहर ईंट फेंक कर मारी थी वो आदमी पेशाब करने के लिए बाहर निकला तो उसने बाहर आंगन में देखा कालू जमीन में पड़ा छटपटा रहा था। उसके सिर से खून निकल रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था मगर सिर में गहरी चोट लगने की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया था जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उस आदमी ने उसे देखा तो उसे समझ आया कि जो ईंट उसने बाहर फेंक के मारा था वो सीधे कालू के सिर में लगा। उसे अपने किए पर बड़ा अफसोस हुआ। वो कालू को संभालने के लिए उसके करीब गया। तभी जमीन में हल्की सी कंपन हुई, भूकंप आया और मकान के पीछे की चट्टान ढहकर उस मकान के ऊपर गिर गई और पूरा का पूरा मकान चट्टान के मलबे के नीचे दफन हो गया।
और घर के अंदर सो रहे उस आदमी के बीवी और बच्चे मारे गए। कालू अगली सुबह तक सांसें लेता रहा और सुबह की पहली किरण के साथ कालू ने दम तोड़ दिया। उस भूकंप से गांव के और घरों में भी नुकसान हुआ था, मगर किसी को गहरी चोट नहीं लगी थी। वो कुत्ता जानता था, उसे पूर्वाभास हो गया था कि भूकंप आने वाला है, और गांव के सिर्फ एक घर के पीछे जो चट्टान है वो उस भूकंप से टूटकर सामने घर के ऊपर गिरेगी। इसलिए वो उस घर के बाहर भौंक भौंक कर उन्हें चेतावनी दे रहा था, मगर इंसान उस बेजुबान जानवर की भाषा को समझा नहीं। मगर इंसान ना बेजुबान जानवर की भाषा समझता है, ना ही उसके जज्बात। उस परिवार को बचाने के बदले में कालू बेचारा खुद मारा गया। पूरे गांव में जितना दुख उस परिवार के लोगों के मारे जाने का था, उतना ही दुख कालू के जाने का भी था। कहते हैं कि कालू के मरने के बाद भी लोगों को अपने घर के बाहर वो दिखाई देता था, उसके भौंकने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव में किसी की मौत होती तो कालू शमशान में भी दिखाई देता था। जो लोग कालू को जानते थे उनके जीते जी कालू भी दिखाई दिया, और फिर समय के साथ साथ कालू ने दिखाई देना बंद कर दिया। अब उस गांव में पुराने लोगों में से बस कुछ ही बूढ़े लोग बचे हैं जो अक्सर महफिलों में कालू का जिक्र छेड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।